अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सारे खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन शवारमा। तो इस चिकन शवारमा की रेसिपी के लिए हम चलते हैं स्टेप वन की तरफ। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 200 ग्राम। सॉल्ट, नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। चिकन में डालेंगे विनेगर, नमक, मिक्स करेंगे। सोया सॉस, लाल मिर्चों का पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने चिकन को कुक करना है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ चिकन को कुक कैसे करना है। ये देखिए, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी मैं, और इसके अंदर जो हमने चिकन पे मसाला लगाया था वो डाल देंगे और इसको पकाएंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। इस पर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में पक जाएगा। ये जब पकता है मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन रेडी है और अब चूल्हे को करते हैं बंद और चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो अब बारी आती है स्टेप टू की। उसके लिए मैंने यहाँ पे सैलेड के लिए लिया है एक लार्ज साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया, जिस तरह से हम हांडी के लिए काटते हैं ना, छोटा छोटा, उस तरह से काटना है। आधी यहाँ पे बंद गोभी ली थी, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक बेल पेपर ली थी, उसमें से आधी मैंने इसमें ली है। एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, जिसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसकी मैरिनेशन आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इन सारी सब्जियों को एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब मैं सारी इसमें वेजिटेबल्स शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने ये अनियन ना पर्पल वाली ली है, क्योंकि कलरफुल हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिएगा, अगर और ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स मिल जाएँ तो वो ले लीजिएगा। ये देखें, मैंने सारी वेजिटेबल्स एक बाउल में शिफ्ट कर ली हैं और अब इसमें बारी आती है 5 टेबलस्पून विनेगर ऐड करने की। 1, 2, 3, 4 and 5, ओके। अब इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और बिल्कुल हल्का सा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं कम ही रख रही हूँ क्योंकि पानी छोड़ेगा तो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा सेकंड स्टेप भी फिनिश हुआ और ये हमारी वेजिटेबल्स भी मैरिनेट हो गई हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं, कलरफुल। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप मायोनीज लिया था, यानी 5 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूँगी मैं, ऑयल, और 2 पिंच के करीब इसमें नमक डालूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च, यानी 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ऑयल और मायोनीज़ एक साथ हो जाए। ठीक है, ये भी दिख रहा है ना, अलग अलग, इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से बीट करना है चंगी तरह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने एक गार्लिक लिया था, जिसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था और ये इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा माइल्ड होता है ना, और वो सॉस में जाके और अच्छा लगेगा। ये देखें, सॉस रेडी है हमारी, ऑयल और मायोनीज बिल्कुल मर्ज हो गए हैं साथ में। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, यानी लास्ट स्टेप, और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि शवारमे को किस तरह से असेंबल करना है हमने। हाँ जी, अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की, जो लास्ट स्टेप है और उसमें शवारमे को असेंबल करना है। ये मेरे पास पीटा ब्रेड है, जो मैंने घर पर ही बनाई है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये इधर चिकन पड़ा है जो आपके सामने रेडी किया है, और ये जो वेजीज़ को मैरिनेट किया था ये भी हैं, और इधर बर्गर सॉस पड़ी है, इधर जो सावा क्रीम बनाई थी वो रखी हुई है। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ उसको असेंबल किस तरह से करना है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड ले ली है और इसके नीचे बटर पेपर बिछा दिया है। बटर पेपर लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए लिया है। वो कहते हैं ना पहले इंसान की आंखें खाती हैं, फिर दिल खाता है और फिर मुंह खाता है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं हमने जो क्रीम रेडी की थी ना, मैंने आपके सामने वो लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने पीटा ब्रेड पर सावा क्रीम लगा दी थी और अब जो हमने वेजीज मैरिनेट की थी वो लगाएंगे यहाँ पर। ये भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वेजीज में आप कोकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने किया नहीं था लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर चिकन डालने की। चिकन डाल दिया इसमें। शक्ल से ही कितना अच्छा लग रहा है ना, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताएं। और अब इसमें बर्गर सॉस डालेंगे। सॉस ऊपर से, ये भी बहुत मज़े की होती है, मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और इसको फोल्ड करूंगी। ये देखें जी, ये है फाइनल लुक शवारमा की। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया और इसको ये पूरे असेंबल। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी हो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।